अंडा एक छोटा सा निकला अंदर से सांप। निर्मल भैया को बुलाए हैं, अंडा लेकर जा रहे हैं सांप के इंतजार। अपना सब ये नहीं आते तो हैं भैया। अभी दवा लिए थे, ये भी अंडा फूट गया है। कच्चे देख रहे हैं। उसमें से जिंदा निकलेगा भैया, समझे? अंडा जो फूट गया तैयार हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ जो है करेत सांप के अंडे मिले हैं। यहाँ मजदूर काम कर रहे थे, रामनगर है ये, नया रामनगर। तो हम लोग इन अंडों को अच्छे से रख लेते हैं। तो देख सकते हैं साथियों, ये जो है बेबी अभी इसमें जान नहीं है, शायद जिंदा है। देखना होगा, लंबाई थोड़ा ज्यादा ना, देखना होगा जिंदा तो रहेगा यार। इस साल ये ज्यादा लंबा। हाँ 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 दोस्तों, यह सांप जिंदा है। पूरी तरह से जिंदा है। तो इसे हम लोग डब्बे में ही डाल देते हैं, थोड़ी देर में इसकी सांसें सही हो जाएंगी या धीरे धीरे चल रहा है। तो हमने सोचा था शायद ये अंडा खराब हो गया है, लेकिन अंडा खराब नहीं हुआ है और सांप का बच्चा ये जो है अभी जिंदा है। तो चलिए इसे लेकर हम लोग चलते हैं, इसे अभी छांव की जरूरत है। तो दोस्तों देख सकते हैं करेत सांप के अंडे फूट चुके हैं। कल हम लोग इसे लेकर आए थे और देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ अंडों से बच्चे बाहर आ रहे हैं। और देख सकते हैं ये छोटा सा बच्चा जो है अंडा फोड़ चुका है और बाहर की दुनिया में आना चाह रहा है। ये है साथियों कॉमन करेत सांप, सबसे ज़्यादा जहरीला। और देख पा रहे हैं नन्हे नन्हे बच्चे, रोशनी इन्हें पसंद नहीं होती है साथियों, इस वजह से ये जो है फिर से अंदर चला गया अंडे में और ये बच्चा आधा निकला है। और भी ये भी अंडा फूट चुका है, ये भी फूट चुका है। हमें लगता है आज जो है ये सभी बच्चे वो वापस निकल जाएंगे अंडे से बाहर। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ नन्हे मुन्ने बेबी करेत टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 कॉमन करेत हैं दोस्तों, छोटे छोटे बेबी करेत जहरीले सांप, भारत का सबसे खतरनाक साइलेंट किलर। और छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, और इन्हें लाइट से थोड़ी सी परेशानी हो रही है। ये देखिए किस तरह से देख रहा है ये बच्चा, बड़े ही गौर से देख रहा है। और यही है दोस्तों सांपों की दुनिया, जहाँ हम लोग सांपों को रेस्क्यू ही नहीं करते, बल्कि अगर ऐसे अंडे मिलते हैं तो उन्हें रख के हम लोग उसकी ब्रीडिंग करते हैं और फिर उन्हें जाकर जंगलों में छोड़ते हैं। काफ़ी दुर्लभ नज़ारा है दोस्तों एक साथ इतने इतने करेत सांप को देखना, छोटे छोटे बच्चे। तो आज का दिन तो बहुत लकी है। चलिए अब इसे लेकर चलेंगे हम लोग जंगल। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्नेक लवर दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग रिलीजिंग पे आए हुए हैं और हमारे पास टोटल 8 स्नेक है दोस्तों, सभी इंडिया के हाईली वेनमस सांप हैं। तो देख सकते हैं इसमें 7 स्नेक इसमें हैं और 1 स्नेक इसमें है। तो दोस्तों सभी स्नेक सबसे जहरीले हैं। तो सबसे पहले हम बड़े वाले स्नेक को निकालते हैं जो कि हमारा कोबरा सांप है। देख पा रहे हैं आप, यह कोबरा सांप है दोस्तों, इसे हम लोगों ने अभी सुबह सुबह रेस्क्यू किया है और दिनवारा से रेस्क्यू किया है इसे। चलिए ऐसे हम लोग निकालते हैं बड़े ही प्यार से, बहुत आराम से।
यही है दोस्तों स्पेक्टिकल कोबरा, और फिर से डब्बे में जा रहा है, तो डब्बा ज़्यादा पसंद आ गया है सर रिलीजी। तो देख सकते हैं यही कोबरा सांप है, और इसे हम लोग क्या है नेचर में ला चुके हैं दोस्तों रिलीजिंग के लिए। देख सकते हैं इसने पट्टी कर दी, डरा हुआ है दोस्तों। चलिए इसे हम लोग जाने देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर साथ साथ कॉमन करैत सांप है और सभी बच्चे हैं, हम लोग सबको लेकर नेचर में आ चुके हैं। चलिए इसे लेकर हम लोग झाड़ियों के पास छोड़ते हैं जहाँ इसे छाया भी मिलेगी और छोटे मोटे शिकार भी मिल जाएंगे। तो आइए अब सब सांपों को हम लोग निकालते हैं। सभी के सभी करैत सांप है दोस्तों, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये सभी करैत सांप, कॉमन करैत एक जा रहा है, और चलिए हम सबको अब रिलीज कर देते हैं। बहुत अद्भुत नज़ारा दोस्तों, इतने सारे कॉमन करैत सांप देखने को मिल रहे हैं, जल्दी नहीं मिलते हैं। हम चाहेंगे ये लोग झाड़ियों की ओर ही चले जाए जिससे कि इसकी ज़िंदगी आगे बची रहे। एक यहाँ छिप रहा है, देख सकते हैं सभी झाड़ियों का अलग कुल। ये है भारत देश का सबसे जहरीला कॉमन करैत सांप, और ये थोड़ा सा डर रहा है दोस्तों, और देख सकते हैं किस तरह छिपते हुए चल रहा है यह।